क्या मास्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से आपको हेयर फॉल होता है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं, मैम आपको नहीं लगता हेयर फॉल तो बहुत हो रहा है, मेरे तो बाल झड़ते जा रहे हैं। कितना सही कितना गलत, क्या इसमें सच्चाई है, और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कैसे उसे ठीक करें, स्पेशली रिलेटेड टू मास्टरबेशन, ना डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगी। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। चैनल पे नए हैं और बाल झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिटेल में इस वीडियो को देखेंगे। मुझे पता है आप देखने वाले हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि या मास्टरबेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और हेयर फॉल की वजह से बहुत बार आपके अपेरेंस भी ख़राब होते हैं, क्योंकि हेयर्स आपका एक ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, ऐसा अपेरेंस का पार्ट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा रेज करता है। बहुत सारी मूवीज़ हैं जहाँ पे आप विद हेयर्स और विदाउट हेयर पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा, आयुष्मान खुराना तक ने मूवी बना रखी है। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट योर हेयर इज़ वेरी 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 प्रीशियस। बट अब लोगों के साथ क्या होता है कि वो जब एक्सेसिवली मास्टरबेट करते हैं तो पहला डाउट जो उनके दिमाग में जाता है वो है, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। क्या इसका कोई रिलेशन है? डेफिनेटली साइंटिफिक रिसर्चेस उसको नहीं मानती हैं, बट देर आर सर्टन थ्योरीज हु बिलीव कि जैसे ही आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, आपके हर इजैकुलेशन के साथ बॉडी में से प्रोटीन निकलता है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके हेयर फॉल का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। सेकेंड थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जितने भी आप, जब भी आप मास्टरबेट करते हैं, तब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके इंक्रीज होने से बॉडी में जो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ DHT की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और जैसे ही वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपका हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसलिए मास्टरबेशन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा ज़्यादा हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप क्या करें? अब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल शैम्पूज का यूज़ करेंगे या फिर घरेलू नुस्खे बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि आपकी इंटरनल वीकनेस मास्टरबेशन की वजह से आ गई है। तो अब क्या करना चाहिए? अभी इंक्लूड करें सीसा वेलनेस आयुर्वेदिक हेयर एंड वाइटालिटी बूस्टर जूस। ये जूस स्पेशली हेयर फॉल और मास्टरबेशन या फिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के बनाया गया है, एंड इट इज़ ओनली फॉर मेन। हेयर फॉल को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर त्रिफला है, भृंगराज है, और जटामांसी है, जो कि आपके हेयर को ग्रोथ देती है। साथ साथ शिलाजीत और अश्वगंधा आपकी वाइटालिटी और सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। शतावरी आपके त्रिदोषों को ठीक करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। साथ साथ अश्वगंधा, आपको पता है, ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, तो स्ट्रेस कम तो बाल झड़ने भी ऑटोमेटिकली कम। अगर आपने शिलाजीत यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि उसमें कॉम्पोनेंट होता है शिलाजीत का रेसिन। सीसा ब्रांड ने स्टडी में पाया गया है कि इस जूस में नॉर्मल शिलाजीत जो आप मार्केट से लेते हैं उसके मुकाबले 5 गुना ज़्यादा फुलविक एसिड है। सो सीसा वेलनेस काफ़ी समय से अपने हेयर ऑयल में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। स्पेशली उनका ये जूस मेल के हेयर ग्रोल के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सीसा वेलनेस आयुर्वेदिक हेयर एंड वाइटालिटी बूस्टर GMP सर्टिफाइड है, कोई शुगर, फ्लेवर और कलर नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिकेशन है, और काफ़ी समय से सीसा वेलनेस काम कर रहा है हेयर ग्रोथ पे। साथ साथ इसके अंदर वाइटामिन सी बहुत अच्छा है, कार्ब्स में बहुत कम है, कीटो फ्रेंडली है। अब आप पूछेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। 30 ml हेयर एंड वाइटालिटी बूस्टर आपने एक ग्लास पानी में लेना है, उसको अच्छे से घोलना है और दिन में 2 बार कंज्यूम करना है। कोशिश करें इसको खाली पेट लें। अगर आप कोई और दवाई भी लेते हैं तो उसके 45 मिनट के बाद ही सीसा वेलनेस आयुर्वेदिक हेयर एंड वाइटालिटी बूस्टर को आपने कंज्यूम करना है। 90 डेज का रेगुलर पीरियड, और आप अपने हेयर्स में, अपने जो भी बॉडी में वीकनेस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट को ट्रेस करेंगे। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो एंड गेट द रिजल्ट्स नाउ। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे, जुड़े रहें। और अगर आपको और भी बहुत सारे डाउट्स हैं अपने मास्टरबेशन या एक्सेसिव मास्टरबेशन से रिलेटेड, उसके लिए आपको इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा, ताकि सही तरीके से हम उसको सॉल्व कर पाएँ।